अब यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो मात खा जाते हैं, टनेज कैसे देना है, किस प्रकार टनेज दे, तो काफ़ी आसान प्रोसेस है। ये रैम सिस्टम की मशीन है, रैम सिस्टम की जो भी हाइड्रोलिक रैम सिस्टम की मशीन होगी वहाँ पे बहुत आसान होता है दोस्तों। मतलब यकीन मानिए, मतलब आप बेहद आसानी के साथ जो है इसको कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं PLC पे और आपको सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे लिखा होगा, ये पहले तो बटन देख लीजिए किस तरीके से कौन सी बटन प्रेस करनी होती। तो याद रखिए सेटिंग मोड पे करिएगा, और यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर जहाँ पे आपका टन लिखा है वही दोस्तों आपका टनेज है, कितना देना। वहाँ देखिए 150 हमने सेट किया, तो यहाँ पे जो एक्चुअल रीडिंग आ रही देखिए 151 150 के लगभग आएगी, एग्जैक्टली होती है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन, एक का टॉलरेंस तो माना ही जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्यूरेट जो वैल्यू है इस मशीन पे आपको मिली, तो क्या है, सिंपली आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप सेटिंग मोड पे, तो इस तरीके से आपको एक्यूरेट वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गई, टनेज प्रेशर जहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो टनेज होता है दोस्तों, ये मोल्ड के हिसाब से सेट किया जाता है, किस तरीके का मोल्ड है, छोटा मोल्ड है, बड़ा मोल्ड है, मल्टी कैविटी मोल्ड है, उस हिसाब से हमको दोस्तों वहाँ पे प्रेशर देना पड़ता है। तो अब जैसे यहाँ पे 150 सेट किया तो हमारा सिंपल 150 आ गया यहाँ पे, तो मतलब कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको, कैविटी प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ चलिए कुछ चेंजेस कर देते हैं, 200 कर देते हैं, तो क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, 250 मान लीजिए कर दिया हमने, 250 जब करेंगे तो वापस इसको देखिए, वापस सेटिंग मोड पे हम इसको जब बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए 249 टन करके आ गया। तो उस वही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सिंपली ये चीज़ें आपके मोल्ड पे डिपेंड करेंगी, कितना टनेज देना है, उसका कैविटी प्रेशर क्या है, कितना कैविटीज़ पर क्या प्रेशर लगेगा,